देन अदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया क्रॉपिंग पैटर्न पूरा चेंज हो गया। यहाँ पे फार्मर्स वो क्रॉप्स को ग्रो करने लग गए जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप्स। पहले यहाँ पे लोग जो है दाल है या फिर बाजरा ज्वार ग्राउंडनट ये सब ग्रो करते थे, सॉरी ग्राउंडनट नहीं ज्वार बाजरा एंड जो भी है मतलब सूखाग्रस्त जो एरिया में क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो ग्रो करते थे। उसके बाद वहाँ पे जब से इंदिरा गांधी कैनाल बना तब से वो वीट कॉटन ग्राउंडनट एंड राइस को ग्रो करने लगे, जिससे कि पूरा जो है इन्वायरमेंट जो है उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ा। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई एंड सॉइल सेलिनिटी की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे जो है जब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो यहाँ पे एक आया कि भाई किस तरह से यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। तो अब यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से की जाए, पहला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, कि जो भी वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। स्टेज वन में और स्टेज टू में लोग अपनी मनमानी ना कर पाएँ। देन क्रॉपिंग पैटर्न जो है शेल नॉट इंक्लूड, यहाँ पे लोगों को स्ट्रिक्टली कहा जाए कि जो भी है आपको वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स नहीं ग्रो करने, ना कि प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो करने, सिर्फ वही क्रॉप्स ग्रो करिए जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। देन द कैड प्रोग्राम सच एज लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्स, लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग इन वाराबंदी सिस्टम शेल बी इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स कमांड एरिया डेवलपमेंट के अंतर्गत चलाए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो किया जाए। देन जो वाटर लॉगिंग और सॉइल सेलिनिटी की समस्या है उसको वापस से रिक्लेम किया जाए। देन यहाँ पे जितना हो सके एफॉरेस्टेशन किया जाए, शेल्टर बेल्ट बनाया जाए एंड पेस्चोर के अंदर जो एरिया को डेवलप किया जाए ताकि यहाँ पे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। देन द सोशल सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द लैंड अलॉटीज हैविंग पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर प्रोवाइडेड एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ लैंड। देन यहाँ पे ये कहा गया कि जो गरीब फार्मर्स हैं उनको लैंड अलॉट किया जाए और उनको पूरा इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाए ताकि वो जो है उनका जो कृषि जो है वो बेहतर हो सके और वो सोशली सिक्योर हो सके। एंड लास्ट द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन नॉट बी अटेंड बाय ओनली थ्रू डेवलपमेंट, यहाँ पे कहा गया कि इस पूरे एरिया में गरीबी तो है लेकिन उस पूरी गरीबी को हम इंदिरा गांधी कैनाल बना के या सिर्फ एग्रीकल्चर करके उसे मिटा नहीं सकते। तो इसीलिए जो अल्टरनेटिव जो ऑक्यूपेशंस हैं वो भी लोगों को प्रोवाइड करने चाहिए, लाइक जो है आपका छोटे मोटे जो आपके रोज़गार होते हैं, एग्रो सर्विसेज होते हैं, मार्केट सेंटर्स होते हैं, तो छोटे मोटे रोज़गार भी लोगों को देना ज़रूरी है ताकि वो सब के सब जो है फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो ये चैप्टर आपका ओवर होता है, इसमें आप इंदिरा गांधी कैनाल जो है इसका लिफ्ट सिस्टम फ्लो सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना, स्टेज वन स्टेज टू में कौन कौन से एरियाज़ में कैनाल बनाई गई थी वो पढ़ लेना। देन आपका जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आप उसको क्लियर कट पढ़ लीजिएगा। पॉजिटिव क्या हुआ था, ग्रीनरी हो गई थी, देन सॉइल्स इरोजन रुक गया था, देन आपका जो है पानी की समस्या यहाँ पे कम हो गई थी, एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ था, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था, इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की इंप्रूव हो गई थी। बट नेगेटिव क्या हुआ था, यहाँ पे सॉइल इरोजन, यहाँ पे जो है सिल्टेशन की प्रॉब्लम भी रुक गई थी, ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट था। नेगेटिव क्या हुआ, वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी की प्रॉब्लम एंड पूरा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया था, लोगों ने जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। एंड लास्ट में 5 पॉइंट ज़रूर इसमें से पढ़ लीजिएगा, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कमांड एरिया। सो नाउ योर चैप्टर इज ओवर, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा एंड मेक नोट्स ऑफ द चैप्टर।